फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ खड़े मसाले का चिकन कीमा। इसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 150 ग्राम दही है, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 ही टमाटर लिए हैं मैंने, और 700 ग्राम ये कीमा है चिकन का। 2 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, उसे मैंने कूट लिया है, बारीक नहीं किया है। 8 से 10 लाल मिर्चें हैं कटी हुई, 2 हरी मिर्चें हैं और अदरक कटा हुआ है। गरम मसालों में 8-10-12 काली मिर्चें हैं, 8-10 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े। चलिए शुरू करते हैं। 3 बड़े स्पून मैंने चमचा सरसों का तेल लिया है, आप चाहें फॉर्चून ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे गर्म करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सारे गर्म मसाले ऐड करेंगे, हल्का सा थोड़ा कड़कड़ाएंगे। प्याज ऐड करेंगे, प्याज को बारीक बारीक काटा हुआ है क्योंकि चिकन में हमें गलाने में परेशानी होगी प्याज को, तो इसलिए बारीक बारीक ही काटिएगा या फिर चॉप कीजिएगा। तो हमें गोल्डन करना है, उसके बाद में इसमें टमाटर ऐड करेंगे। पहले हमें इसे ऑफ वाइट तक थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। देखिए प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको हमें गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डालना है। अगर ये मटन होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सीटी लग के आराम निकल जाता, इसलिए हमें पहले से गलाना है। चिकन का कीमा है, और थोड़ी देर के लिए इसे हमें ढक के रख देना है ताकि टमाटर और प्याज दोनों अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए हमें ढक के रख देना है हल्की आंच कर लिए। देखिए इसे 5 मिनट तक हमने रखा हल्की आंच पे रखा था, और ये देखिए टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए टमाटर भी बिल्कुल भुन गए हैं। हम इसमें कीमा ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे इसमें थोड़ी देर तक। हमें 2 से 4 मिनट हमें इसमें ऐसे ही फ्राई करना है तेल को, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने इसे इतने ही ऐसे ही पकाया है, अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। दो टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये हमने धनिया कुटा हुआ है, लाल मिर्च है और अदरक, चाहे तो आप लहसुन भी कूट कर डाल सकते हैं, मैंने लहसुन को पीस कर डाला है। नमक हम डाल चुके हैं पहले ही थोड़ी सी, बिल्कुल हमें हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप पिसा हुआ मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया और मिर्च, अगर आपको खुट्टे कर रखना है तो यही काफ़ी रहेगा। पकाने के लिए जलाने के लिए ध्यान
रखें। अगर आपको ग्रेवी बनानी है ज़्यादा इसमें तो पिसा हुआ मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, पिसा हुआ थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच लाल मिर्च है। थोड़ी देर कीमा गलने तक ढककर पकाएंगे। देखिए अभी इसमें पानी है, दही में कीमे ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, अभी इसे और पकाना है। हमें 10-15 मिनट इसे और पका रहा हूँ, जब इसका पानी खत्म होगा देखिए इसमें पानी है, जिन्हें थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए। दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। देखिए इसका पानी ख़त्म हो गया है और ये अच्छे से गल भी गया है। चिकन में ये तो बात है, जलाने में परेशानी नहीं होती और फटाफट डिश तैयार हो जाती है। हमें इसे अच्छे से भूनना है, चाहे तो हल्की आँच पे भूनिए चाहे थोड़ा तेज़ करके इसको चलाते रहिए और हल्का सा पानी का छींटा जरूर दीजिएगा। कि इसमें दो बारी में भूनना है, दो बार पानी का छींटा देकर इसको, जब इसमें अच्छे से टेस्ट आएगा। हल्का सा पानी का छींटा देना है। इसको ऐसे ही चलाते रहना है, अच्छे से भूनना है। देखिए हमारे चिकन खड़े मसाले का चिकन तैयार हो गया है, अच्छे से भुन गया है। अब आप इसमें चाहे अपने मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी भी रख सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आप जैसे भी खाना पसंद करेंगे ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए और ये अच्छे से गल भी गया है, चिकन में प्रॉब्लम नहीं होती, गला नहीं है, पकते पकते ही आराम से गल जाता है भूनते भूनते ही। हम इसमें हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, मतलब थोड़ा सा ढीला रखेंगे इसको। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। फ्लेम बंद कर देते हैं, प्लेट में साफ करते हैं। प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए हमारा खड़े मसाले का स्टू तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, एक बार जरूर प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा।